बाप जिसके साथ है उसका बाल बांका भी नहीं होगा। और रामायण में रावण राम के हाथों क्यों मारा गया, लक्ष्मण के हाथों भी तो मारा जा सकता था। जो राम है वो लक्ष्मण का सहयोगी है या लक्ष्मण वाली आत्मा जन्म जन्मांतर की राम की सहयोगी है? कौन असिस्टेंट है और कौन मुखिया है? राम वाली आत्मा मुखिया है। जवाब मिला कि नहीं है? हाँ जी। और बाबा मेरा सवाल धर्मराज वाले का ही था। मेरा सवाल ये है कि सद्गुरु का पाठ जब चलेगा शिव बाबा का, तभी धर्मराज का पाठ एक साथ चलेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? है धर्मराज सदगति देता है ये गायन है या सद्गुरु सदगति देता है? सद्गुरु सदगति देता है। धर्मराज को सब जानते हैं, क्या करेगा? पिटाई कर करके दुर्गति कर देगा। और बोलो 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 बोलो, घर जाने की जल्दी हो, कोई जा सकता है? माता नहीं बने होता से जल्दी जल्दी बोल देते हैं। है बाबा, क्लास में भाई लोग अकेले में बैठ सकते हैं ना? है? क्लास में अकेला भाई नहीं बैठ सकता ना? तुम्हारी दिल है क्या? उनको तो अकेले माता के साथ बैठाया जाता है, उस समय भी तो भाई अकेला रहता है ना। तो भाई लोग बोलते हैं कि दो भाई होना चाहिए कम से कम। अंदर वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बाहर वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं? अंदर वाले। क्या बोल रहे? अच्छा, तुम अंदर वाले हो बाहर वाले? भूल जाता है। और बोलो बोलो बोलो, महाभारत में पांडव गल मरते हैं ना स्वर्ग में जाते समय, सब पांडव गल मरते हैं? जाता है वो भूल जाता है तुमको? जाता है, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद वो वहाँ दुर्योधन को देखता है। क्या हुआ? तो दुर्योधन कैसा स्वर्ग में उसके उनके पहले गया? दुर्योधन कैसे पहले गया? दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन और दुशासन कहाँ हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर है? ब्राह्मणों की दुनिया में है। और युद्ध में स्थिर रहने वाला जो युधिष्ठिर है उसकी मेंटलिटी में और दुर्योधन दुशासनों की मेंटलिटी में अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? दुर्योधन दुशासन सदा ही मरते दम तक भी युधिष्ठिर को या पांडवों को दुश्मन के रूप में देखते हैं, लेकिन पांडवों के बीच में एक ही युधिष्ठिर ऐसा है जो दुर्योधन दुशासनों को दुश्मन के रूप में नहीं देखता है। तो जैसी दृष्टि वैसी उनको शक्ति दिखाई पड़ती है। वो उनका भी कल्याण चाहते हैं इसलिए देखते हैं। और सच तो बिठो नच्य
ये कौन सी बात की सच्चाई के लिए बोला गया है? कोई बताएगा? कोई को बता नहीं? सॉरी, तो वंडरफुल बात है। ज्ञान बाप का परिचय, बाप का परिचय है। बाप का परिचय कोई पूरा दे पाता है? सच है, देते हैं 100% सच्चा बाप का ज्ञान, बाप का परिचय देते हैं। फिर तो बाप को आने की दरकार है? आने की दरकार ही नहीं। कोई को पता नहीं है कौन सी सच्चाई है। हाँ, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देते हैं, वो खुशी में जिंदगी भर डांस करते रहते हैं। क्या छुपाते हैं? तो मुरली बोला है, आगे चल के सब की पधरौनी हो जाएगी। कोई की कोई बात छुपी हुई नहीं रहेगी, अभी क्लियर हो जाएगी। नहीं तो सचखंड की स्थापना नहीं होगी। पधरौनी माने का? पधरौनी माने पधरावणी हो जाएगी सच्चाई की, असली चेहरा सामने आवे, नकली सूरज छुपी रहे। बाबा जो सच्ची बता देंगे वो तो बच जाएंगे। बाप ने बताया है पोतों में कोई एक है जो अपना पूरा पोता मेल बाप को देता है, बाकी नंबर वन। कोई पूछा, बाबा जब शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो पार्वती क्यों सो जाती है? तुम सब कौन हो? पार्वती। सब पार्वतियां हो। तो जो भी पार्वतियां हैं वो शंकर वाली आत्मा के मुकाबले अज्ञान नींद में सोने वाली हैं परसेंटेज में या नहीं सोने वाली है? सब सोने वाली है। आज नहीं तो कल अनिश्चय बुद्धि सबको माया बनाती है। एक शिव बाबा है जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, और जो कबूतर की बात आई है वो कबूतर जागने का समझने का ढोंग करता है या कथा को सुनता है? ढोंग करता है, ढोंग करता है, उसकी तो आदत है। जट बुद्धि या जड़ बुद्धि का मतलब क्या है? है जट से कौन सी जाति बनी? जाट। जाट बुद्धि जब जाम हो जाती है, जड़ तुम्हें ही बन जाती है, उसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि, पत्थर जल्दी पिघलता नहीं है। पिघलता है? है नहीं पिघलता। सोना भी पिघलेगा, बह जाएगा,
पत्थर जब अति का गर्म होगा, लाल होगा, तो धीरे धीरे ठंडा होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पिघल कर बहेगा क्या? नहीं। तो उसको कहते हैं जट बुद्धि। जट बुद्धियों में यादगार किनकी दिखाई जाती है? बहुत कड़क पत्थर दिखाया जाता है, है? अरे है? 40 ग्राम की बटिया देखिए, कड़क पत्थर है या साधारण पत्थर है? कड़क पत्थर है। तो पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बल पत्थर बुद्धि लिंग की पूजा भी होती है। फिर उसकी पूजा क्यों होती है? 40 ग्रामों की भी पूजा होती है। पत्थर बुद्धि है तो पूजा क्यों होती है? हैं? हाँ, कि संगम युग में ज्ञान लेने के बाद नंबरवार कुछ न कुछ पवित्र रहने का विशेष पुरुषार्थ किया है, जो औरों ने नहीं किया है, वो विशेष पुरुषार्थ के कारण पत्थर के लिंग की भी पूजा होती है। जैसे स्वर्ण लिंग की होती रही, रजत लिंग की होती रही, ताम्र लिंग की होती रही, ऐसे ही पत्थर बुद्धि लिंग की भी पूजा होती है, 40 ग्राम की भी पूजा होती है। 40 ग्राम को भी बंधन दिखाया जाता है। काय का बंधन है? विकारों का बंधन है, सर्पों का बंधन है, संग ही ऐसा है। लिंग को भी बंधन दिखाया जाता है। काय का? हाँ? अरे लिंग के आसपास सर्प दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। वो 5 विकारों का ही सूचक है। बंधन में होते हुए भी मन बुद्धि से निर्बंधन होने का पुरुषार्थ करते हैं, हार के नहीं बैठ जाते। इसलिए पूजा होती है। कोई ने पूछा है, जिस क्रम से नंबरवार लोग एनएस में जा रहे हैं उसका भी कोई मतलब है क्या? हा? मतलब हो सकता है? है? अरे उस क्रम का मतलब हो सकता है क्या? ये भी एक चुनाव की प्रक्रिया है। जैसे पानी फिल्टर किया जाता है या तेल फिल्टर किया जाता है या कोई भी चीज फिल्टर की जाती है, तो फिल्टर होने के बाद कचरा निकल जाता है, अच्छा अच्छा बचता है, फिर दोबारा फिल्टर करेंगे, कहते हैं डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन। ऐसे ही ये फिल्टर होने की प्रक्रिया है, बाकी ऐसे नहीं है
कि जो एनएस में पहुंच गए तो कोई सब स्वर्गवासी हो गए। क्या ये तो सिर्फ नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। जैसे मकान बनता है तो गहरे में फाउंडेशन डाला जाता है, कोई को देखने में नहीं आता। जब से ये फाउंडेशन पड़ा है तब से दुनिया में भी उसकी यादगार देखने में आती है। पहले मकान महल बनाते थे तो चारों तरफ से पर्दा लगाकर ढकते नहीं थे, और अब ढक देते हैं। ये हद और बेहद में दोनों साथ साथ चलता है। गहराई में फाउंडेशन डाला जा रहा है, ऐसे नहीं उनकी परीक्षा हो गई फाइनल। उनकी भी फाइनल परीक्षा होनी बाकी है, नहीं तो कोई नहीं मानेगा कि 8 की लिस्ट में है या 108 की लिस्ट में है या कौन सी लिस्ट में है। परीक्षा के बाद ही पता चलेगा। तो जब फाउंडेशन डालते हैं तो सब प्रकार के ईंट रोड़े कंकड़ पत्थर सारे डाल करके ऊपर से दुर्मुट चलाते हैं, धच धच। उनकी भी कड़ी परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो परीक्षा सारी जिंदगी होती है कि थोड़ा टाइम होती है? थोड़ा टाइम होती है। उसे धच धच के धमाके में बहुत मजबूत होते हैं, बहुत टिके रहते हैं, और बाकी टुकड़े सब छितर के इधर उधर हो जाते हैं। कुछ पूछा, शास्त्रों में गणेश की बहुत बुद्धिमानी दिखाते हैं। बुद्धिमानी की निशानी क्या दिखाते हैं? सर बड़ा दिखाते हैं, चेहरा बड़ा दिखाते हैं। सर माने बुद्धि, कान भी बड़े बड़े दिखाते हैं। ज्ञान सुनेंगे तभी तो बुद्धिमान बनेंगे। जो ज्ञान सुनेगा ही नहीं, ज्ञान को महत्व नहीं देगा तो बुद्धिमान बनेगा? हाँ, तो कान बड़े बड़े दिखाते हैं, सूंघ भी लेते हैं बहुत। और डील डॉल भी है, देह अभिमान भी बहुत होता है, झूमता रहता है हमारे देह बहन के। फिर उसको गोबर गणेश क्यों कहते हैं? माने गणेश को गोबर का गणेश बनाए देते हैं क्या है? गोबर गणेश इसलिए बनाए देते हैं जो गोबर गणेश, गोबर जिसकी बुद्धि में भरा हो ऐसा भी पार्ट बजाए दे या भरा रहे कुछ न कुछ, तो विधर्मी होगा या स्वधर्मी होगा? विधर्मी आत्मा साबित होती है। गणेश हैं, हनुमान हैं, थोड़ी न थोड़ी कहीं न कहीं जानवरियत की निशानी रह जाती है। देवी देवता सनातन धर्म को 100% फॉलो करने वाली नहीं बन पाते। माना जैसे गणेश के माँ बाप
प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, तो उनका बच्चा भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होना चाहिए, सनातन धर्म का पक्का होना चाहिए कि माँ बाप के बरखिलाफ अपनी ढपली अलग जाकर के बजाने वाला होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होते हैं वो अपने परिवार के पक्के होते हैं, परिवार को छोड़ेंगे नहीं, पूरा परिवार एक चूल्हे पर रोटी खाता है। विकारों की तृप्ति के लिए अलग जाकर के घर नहीं बनाते। गणेश ने क्या किया है? माँ बाप के साथ रहे या अलग घर बसाया, अलग दुनिया बसाई, अलग दुनिया बसाई ली। और इसलिए गोबर बुद्धि हो गई। फाइनल परीक्षा का मेजरमेंट क्या होगा? नष्ट हो बाबा, भूल गए? फाइनल परीक्षा में अष्टदेव आगे जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। वो प्रैक्टिस उनकी पुरुषार्थी जीवन की आज से अंत तक देखने में आवेगी या कभी देखने में आवेगी कभी नहीं देखने में आवेगी? हैं? आज से अंत तक देखने में आवेगी। बाबा ने कहा लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में सफलता दिला देगा। बाबा कैसे पता चले? कुछ मतलब सेवादारी घर में भी रहते हैं बाहर में भी रहते हैं, वो तो अंदर से उसका अंदर से भी लगता है। हाँ, जो अंदर बाहर एक नहीं दिखाई देगा, बाहर से दिखाई नहीं देगा, दिखाई क्यों पड़ेगा? सरेंडर हो जाते हैं, बुद्धि कहाँ धरी रहती है? माताएं सरेंडर होती हैं, मेरा बच्चा मेरा परिवार मेरा 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 छूटता ही नहीं। अरे परिवार सरेंडर हो गए तो वहां का वहीं छोड़ो ना। अब वो कन्याएं भी ऐसी हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सरेंडर हो गए, हम बाबा के कंधे पर चढ़े हुए हैं, अंदर से बुद्धि सारी कहां धरी रहती है? परिवार के अंदर धरी रहती है, इंतजार होता रहता है कब फोन आवे, कब चिट्ठी आवे, कब बुलाने आवे, नहीं तो मैं किसी पार्टी के साथ चली जाऊं। तो देखने में नहीं आता देखने वालों को? आता है कि नहीं? देखने में आएगा। और बाबा है अष्टदेव जो है वो जो आनंद बनाए उसी में होंगे कि जो आना जाना करते उसमें होंगे? आना जाना कौन नहीं करता है, एक जगह में बंद हो करके रहे तो जेली हो गया, कैदी हो गया, या आने जाना करने वाला हुआ? आना जाना तो थोड़ी लोग करते हैं। क्या आना जाना जो करते हैं? करते हैं ना सब। सब कहाँ करते हैं? अरे ऐसा कौन होगा जो एक ही जगह बंद करके रहे? एक ही जगह नहीं, जो एनएस बनाया बाबा ने, एनएस बनाया तो उसी घर में रहते हैं क्या हमेशा? तो सेवा के लिए बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? जो कौन जाते हैं तो वो ही अष्टदेव वहीं से अष्टदेव निकलेंगे, या जो बाहर से जो मतलब जो भी अंदर आ गए होंगे सरेंद्र भाई हो गए होंगे और वो आना जाना करते हैं वो कि बाहर से भी मतलब अष्टदेव होंगे जो अपने मतलब घर से रहते हैं या नहीं सरेंद्र हुए अभी? 16-8 की तो बात छोड़ दो, 108 की भी बात छोड़ दो, 16,000 की लिस्ट में आने वाले जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे क्या नाम राज परिवार के, वो सरेंडर होंगे नॉन सरेंडर होंगे? नहीं
अभी हो या लास्ट में हो, लास्ट में रिजल्ट निकलेगा। जब रिजल्ट निकलेगा तो उनका संगठन अलग देखने में आएगा। माला माला रूपी संगठन या नहीं देखने में आएगा, अलग देखने में आएगा। मैं तो अभी वो मतलब सरेंडर नहीं हुए हैंगे, लेकिन वो बाबा के मतलब जो जो शरीयत मिलती है या जो मेरे उसी हिसाब चलते हैं, ना ना मना कौन करता है, उनको सरेंडर नहीं रहेंगे। चल मना कौन करेगा, ऐसे श्रीमत पर अंत में चल करके दिखाएं के सारी दुनिया को संगठन के एक सूत्र में बंधे हुए देखने में आए। मैं अभी यही मानता है कि यशदेव जो है वो एनएसए ही निकलेंगे और जो आना जाना करते वही होंगे, और बाहर जितने भी पुरुषार्थी हैं वो यशदेव नहीं होंगे, मतलब वो आ ही रहे हैं उनमें यशदेव नहीं निकलेंगे। सारे 4 लाख जो होंगे वो काशी नगरी के वासी होंगे, काशी रूपी तेज पीने वाले होंगे या नहीं होंगे, फिर पक्के सूर्यवंशी होंगे या कन्वर्ट होने वाले होंगे, है पक्के सूर्यवंशी होंगे। अरे 2 मालाएं स्पष्ट देखने में आवेंगी, उन मालाओं के फॉलोअर्स भी देखने में आवेंगे, रुद्रमाला देखने में आवेगी, तो निराकारी स्टेज में टिकी हुई होगी, संगठन भी देखने में आवेगा, सारी दुनिया में वो संगठन प्रत्यक्ष होगा और विजयमाला भी देखने में आवेगी, उनके फॉलोअर्स भी देखने में आवेंगे। हाँ नंबरवार हैं, वो भी कोई जरूरी नहीं कि पहले पहले नंबर में ग्रुप में जाकर के जो बैठ गए वो ही टिके रहेंगे। हाँ फाइनल पेपर आएगा तो वहां से भी टूटेंगे, और अभी भी टूट रहे, अभी टूटने वालों की संख्या इक्का दुक्का, एक दो भी टूटेंगे तो जो हंसी उड़ाने वाले होंगे वो खूब हंसी उड़ाएंगे, देखो 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 देखो, वहां जाने वाले भी टूट गए। सही तरीके से नहीं चलेंगे, संगठन को तोड़ने वाले होंगे तो खुद नहीं टूटेंगे। कायदे कानून कड़क होते जावेंगे, ईश्वरीय परिवार के ये लूज रहेंगे, कड़क होते जावेंगे। जो सूर्यवंशियों की लिस्ट में आने वाले होंगे उनके लिए कड़क होते जावेंगे, या जिन्होंने ये पक्का कर लिया जहाँ आ जाएंगे वहां आ जाएंगे, देखा जाएगा, सूर्यवंशियों के लिए कड़क होते जावेंगे। मुख्य पहचान है क्या? वो बाहर से भी देखने में आवेगी, उस पहचान में अगर कच्चे पड़ गए, मोह प्रत्यक्ष होने लगा तो 9 to 11 बोला। एक तरफ बाबा कहते हैं 100 बोलों के हंस में, 100 बोलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहेगा। क्या क्या कहते हैं बाबा? 100 बोलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहेगा। दूसरी तरफ कहते हैं दुमुहा है बाबा, दूसरी तरफ कहते हैं कि बगुलों के बीच में हंस रह नहीं सकते,
ये दो विरोधी बातें हुई या नहीं हुई? हा? अरे चुपचाप रह जाते, ये दो विरोधी बातें हैं या नहीं है? हैं? माना भगवान दोगला है, दो दो बातें बोलता है। बताओ भाई, ये दोनों बातें विरोधी हैं या नहीं है? हैं? नहीं है? कैसे? क्या है मन बुद्धि की बात बताओ? अरे खड़े होके तो बता दो, तुम्हारी मन बुद्धि के अंदर से बाहर आए ना। बताओ बताओ बताओ। हाँ, मन बुद्धि से परे रहने की बात। क्या? मन बुद्धि से परे रहने की बात। जो परे रहेगा, सौ बगलों के आकर्षण में नहीं आएगा तो बाहर से देखने में आएगा कि नहीं? न्यारा और प्यारा और सबको देखने में आएगा, सबको, वो कोई को देखने में आएगा, कोई को नहीं आएगा, सबको आएगा, सबको देखने में आएगा। तो फिर अंतर बताओ कि दोनों बातों में अंतर क्या हुआ? अरे अंतर तो जो पूछने वाला पूछ रहा है उसी ने अंतर बता दिया। फिर पढ़े? सुना है? समझाए नहीं? समझाओ भी। सौ बगुलों के बीच में एक हंस अपने मस्ती में रहता है, ये कमाल है। कमाल क्या है? सौ बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, कोई से प्रभावित न हो। और दूसरी बात है, हंस बगुलों के बीच में रह नहीं सकते। इसमें अंतर है, एक लगा हुआ है। क्या है? एक हंस की यादगार है, कोई के भी साथ डाल दिया जाए। जो मुरली में बोला है, नारायण की ये पहचान होगी। क्या पहचान? सबसे अच्छा नहीं, नहीं। बड़े से बड़े लोगों के बीच में भी पार्ट बजा सकता है, बजाएगा। और छोटे से छोटे जो बिल्कुल नीच पार्ट बजाने वाले हैं उनके बीच में भी पार्ट बजाएगा। जनता में जो भी पार्टधारी हैं उन सब आत्माओं के साथ संस्कार मिला सकता है, ज्ञान के कोर्स से। और पूछा है, काशी में भक्ति मार्ग में कोई भी मोक्ष प्राप्त के लिए चले जाते हैं, कोई भी चले जाते हैं या कोई कोई जाते हैं? कोई कोई जाते हैं। है? कोई कोई, कोई ही जाते हैं, हर कोई तो नहीं जा सकते। पर यहाँ तो बाबा काशी वासियों को गुप्त रखे हैं, कोई की इच्छा है
तो भी नहीं जा सकते हैं। बाबा जिनको ले जाते हैं वो ही जा सकते हैं। माना है अपने आप जाने सकते। माने बाबा योग्यता अनुसार नहीं ले जाते हैं, है किस अनुसार ले जाते हैं, है कह के हाँ पक्षपात के आधार पर ले जाते हैं, है मना जो कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लीट होते हैं नहीं है नहीं, कुछ ना कुछ है गड़बड़ ना, तभी तो कंप्लेंट हो रही है। अगर संतुष्ट मणि हो करके रहें जहां कहीं भी डाल दिए जाएं, तो ऐसी गऊ आत्माओं को ले जावेंगे या कुछ न कुछ वाचा कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों कुछ न कुछ वाइब्रेशन के आधार पर धमचक्कर मचाने वालों को ले जाएंगे, किनको ले जावेंगे है? जो संतुष्ट मणि गऊ बुद्धि देखने में आवेंगे, गऊ को जिस खूंटे से भी बांध दो भारतवासी गऊ क्या करेगी, जीवन भर बड़े आराम से वहीं रहेगी। जय विदे राखे राम, साई विदे, यहाँ राम है ही नहीं, यहाँ तो रावण आया हुआ है पक्षपाती, तो कौन ले जावेगा? पहले रावण को राम बनाए लें तब हम भी जाएंगे। बाहर से जाने वाले को काशी में मोक्ष मिल जाता है, बाहर से जाने वाले को काशी में, तब बाहर से ही जाते हैं, अंदर से कौन होता है? काशी में ऐसा कौन होता है जो अंदर का होता है? हम जो बात पूछ रहे हैं वो बात बताओ, काशी में सब बाहर से ही जाते हैं कि काशी नगरी जो बनाने वाला काशीनाथ है उससे पहले ही कोई चला गया? पहले तो कोई नहीं जाता। आप बोलो क्या बोल रहे हैं? जो वहाँ रहते हैं परमानेंट उनको मोक्ष नहीं मिलता, परमानेंट रहने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, रहते हैं काशी में उनमें बहुतों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तो गए नहीं। हाँ कोई कोई ऐसे होते हैं कि काशीवासी बनने के बाद भी त्याग देते हैं, नहीं रहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, काशीवासी रहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ ठहर नहीं सकते। वो मिनी मधुबन का या मधुबन का फर्स्ट क्लास रूप होगा, फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों का संगठन होगा या सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास होगा? ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोतरी जाने। अब आप प्रश्न करिए, क्या पूछ रहे थे? जो आदमी रहते हैं उनको मुक्त मिलता है, अभी तो बता दिया, फाइनल परीक्षा अभी थोड़े ही हुई है, फाइनल परीक्षा हो और उसमें जो पास हो जाएं वो जरूर जावेंगे है। अच्छा बाबा भक्ति मार्ग में तो अपनी इच्छा से काशी करवट खाते हैं, लेकिन यहाँ तो काशी अर्थात एनएस में चुनाव किया जाता है, इसका कारण क्या है?
है? जबरदस्ती उठा के अगर किसी को ले जाया जाएगा तो टिकेगा? नहीं, नहीं टिकेगा। देखा तो जाएगा ये कहाँ तक नष्ट मोहा बना है। मम्मी पापा का फोन नहीं आता तो हालत तो नहीं खराब होती, चिट्ठी चपाटी नहीं आती तो मुंह तो नहीं खराब हो जाता, घर से सामान नहीं आता तो बिगड़ता तो नहीं है। माने ये प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है क्या कि बाबा स्वेच्छाचारी है, जिसको चाहता है उसको ले जाता है, नहीं तो काशी करवट खाने वाले स्वेच्छा से काशी करवट खाते हैं। अरे काशी करवट की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो सामान्य रूप से जो सरेंडर होते हैं, अगर स्वेच्छा से समझ करके सरेंडर होते हैं तो टिकने की गुंजाइश ज्यादा है, या माँ बाप ने गर्दन पकड़ करके सरेंडर कर दिया तो टिकने की गुंजाइश ज्यादा है? स्वेच्छा वाले रह सकेंगे, बिना इच्छा के कोई किसको कहीं जबरदस्ती रख सकता है? और यहाँ तो सबके लिए खुली छूट है, काशी में रहते हो या बाहर रहते हो, जब चाहे त्याग पत्र लिखें और चले जाए, लिख करके आए हो और लिख करके चले जाओ। ये देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, ये मुसलमान धर्म की स्थापना नहीं है कि तलवार लो जनेऊ उतारो है। हाँ जी, तो ये जो प्रश्न आया है कि शिक्षा से काशी करवट खाते हैं वो ही वहां टिक सकेंगे, जो इच्छा से नहीं जाते हैं। चलो देख आए कैसा है वहां है, और चले गए अंदर से इच्छा तो क्या अंजाम होगा, बाघ खड़े होंगे। बिना इच्छा के कोई किसी को बांध के रख सकता है क्या है? नहीं रख सकता। और ये तो खत्म हो गया। एक और मजेदार प्रश्न, बाबा एक बात बताओ, काशी नगरी में जिनकी सिलेक्शन होती है हो रही है, क्या उन पर महाकाली का झाड़ू लगेगा या नहीं लगेगा है? अगर उन पर भी लगेगा तो हमें जाना नहीं, अगर उन पर महाकाली का झाड़ू न लगे तो हम जाएंगे। तो बाबा बताओ कि महाकाली के झाड़ू लगने से वहां जाएंगे तो बच जाएंगे? मुख्य बात ये दिमाग में घूम रही है। महाकाली झाड़ू लगाएगी
दिवाली होती है ना, है? दीपक जलाए जाते हैं ना, है? घर की सफाई होती है ना पहले, तो जो घर की सफाई होती है उसमें कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगा के भगाया जाता है, या जितने भी घर में रहने वाले हैं सबको भगा दिया जाता है, कीड़े मकोड़े बिच्छू टेंडन है, अपनी दुखदाई वृत्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, दम चक्कर मचाने वाले हैं, राक्षसी वृत्ति वाले हैं, उनको ही झाड़ू लगेगा। जिनकी देवताई बुद्धि होगी तो भाई सेवा ही करनी है, दूसरों को सुख ही देना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। न दुख देना है न दुख लेना है, तो ऐसी अच्छी अच्छी आत्माओं के ऊपर झाड़ू लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। हाँ इक्का दुक्का होंगे तो लगेगा जरूर। क्या बचेंगे नहीं? अगला प्रश्न है, काशी में मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन देखा तो जाएगा कि मरे हैं या आंखें मिचमिचाई पड़े हैं, नहीं देखा जाएगा, हैं? देखा जाएगा कि नहीं, हिला डुला करके, हैं? अरे डॉक्टर भी तो पहले स्टेथोस्कोप लगा के देख लेता है ना, जिंदा है कि मरा हुआ है। तो शर्त पहली है कि देवान से मरे हुए होना चाहिए, दूसरा प्रश्न से पूछा है कौन सी मरने की बात है, कौन सी मरने की बात है? देवान से, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बच्चा हूँ, किसका बच्चा हूँ? भगवान बाप का बच्चा हूँ, जैसे बाप चलाएगा वैसे ही चलूंगा, मेरे भाग्य की जो डोरी जन्म जन्मांतर की किसके हाथ में है? बाप के हाथ में, जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है, माँ बाप बच्चों के जीवन के रक्षक माने जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे माँ बाप भी हुए हैं जिनको भूख लगी और बच्चों को भी काट के खा गए, ऐसे हुए या नहीं हुए? हुए। तो उनको रक्षक कहेंगे या भक्षक कहेंगे? भक्षक हो गए। ये मरने की बात है, देहभान से मरना है, पक्का पक्का आत्माभिमानी बनना है। तो अगर देवहंस से मरने की बात है तो जो काशी के बाहर देवहंस से मरेंगे वो स्वर्ग में नहीं जावेंगे, बताओ भैया है? जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो भी जाएंगे, फिर काशी में मरने की क्या दरकार है? हाँ? कोई भूत सवार हुआ है क्या? अरे
फिर काशी में मरने की दरकार है? हैं? फिर भगवान को काशी नगरी का निर्माण करने की दरकार है? हैं? नहीं। फिर तो काशी ही प्यारी नगरी होनी चाहिए, या काशी के बाहर जहां मरने लगे मगहर वगैरह में क्या कहां मरने लगे मगहर वगैरह में मरने लगे तो वो भी प्यारी नगरी होनी चाहिए कि नहीं है? लेकिन नहीं है। गायन क्या है? काशी प्यारी है। क्यों प्यारी है? कारण होगा कोई कि भगवान को दिल्ली प्यारी नहीं है, जगदम्बा प्यारी नहीं है उतनी, लक्ष्मी प्यारी नहीं है, सरस्वती प्यारी नहीं है, पार्वती प्यारी नहीं है, त्रिदेवियां भी प्यारी नहीं है, कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी का इतना महत्व क्यों है दुनिया में? विद्वान पंडित आचार्य जितने भी हैं दुनिया के, वो कौन सी नगरी को ज्यादा महत्व देते हैं? क्यों? भगवान की बसाई हुई नगरी है। उसका नाम ही रखा है आनंद कानन। क्या दुनिया का विनाश होता रहेगा, हाय हाय करके मरते रहेंगे, लेकिन आनंद कानन के वासी आनंद मनाती रहेंगे। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की दुनिया में आनंद ही आनंद। और पुरजी बंद नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? बाबा आपकी नाभि पर गोकुरु की लकड़ी है या नहीं? नहीं तो इतना जोर से बोल रहे हैं, खिसक जाएगी। लाउड स्पीकर का प्रबंध हो जाएगा, अगर नहीं बोलेंगे नहीं तो बाबा समझते हैं जैसे हम बहरे हो रहे हैं तो कोई दूसरी माता पीछे, कोई भाई, कोई बहरा बैठा हो, उसके पास आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बाबा तो वैसे ही छोटी छोटी सभाओं में आते हैं कि हजारों की सभा में आते हैं, छोटी छोटी सभा में आते हैं, तो हर जगह लाउड स्पीकर हो जरूरी है, है? चलो भैया, एक ने कही दूसरे ने मानी। एक और रह गया। बाबा एनएस में जाने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए है? सारी रामायण खत्म हो गई है और ये पता ही नहीं चला कि राम का बाप कौन? बताओ भाई इस प्रश्न का जवाब है। देखो छोटी बच्ची भी बोल रही है।
कौन सा पुरुषार्थ? नचो मोहाई सुधी बोल ही नहीं रही है, प्रैक्टिकल में करके भी दिखाया है। जिद्दोजहद की अपनी मम्मी पप्पा से, अपनी बहनों से फिर बैठी हुई है। अच्छा है।